मल्हार सरकार ने गौतमा के सामने उसकी राजनीति खोल कर रख दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। गौतमा भी राजनीति करना जानती है, ये हम सब जानते हैं, और वो खुद कहती भी है कि उसको भी राजनीति करना आता है। वो ऐसे भोली भाली गौतमा नहीं है, मगर राजनीति किसके साथ करनी है किसके साथ नहीं करनी है, ये थोड़ा सा सवाल है गौतमा के सामने मल्हार सरकार का। इसीलिए उन्होंने ये प्रश्न गौतमा के सामने रख दिया, उसकी पोल खोल के रख दी। चलिए इस पे चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मल्हार सरकार, जिनको पता है कि गौतमा अहिल्या के साथ कैसा व्यवहार कर रही है, काफी समय वो चुप ही रहते हैं, वो इन दोनों के बीच में नहीं आते हैं, सासुबाई और सुनवाई के बीच में, क्योंकि उनको पता है कि गौतमा थोड़ी टेढ़ी है, हर बात का मतलब खंडराव से ही जोड़ के रखती है, इसलिए वो इससे दूर रहते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि उनको इन बातों का पता नहीं है, इसीलिए उन्होंने जब गौतमा को ये बात कही कि अहिल्या के अंदर इतने सारे गुण हैं और तुम भी ये बात मानती हो, अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि ये गुण है कि नहीं है, तो गौतमा के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि गौतमा को पता है कि ये गुण है। जब ऐसा कुछ गौतमा की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आती है तो मल्हार सरकार कहते हैं कि मैं अहिल्या को इसलिए नहीं कह रहा हूं कि दरबार में आए या ऐसा हो कि कोई मेरा फायदा है, मतलब कहने का यही था उनका कि अहिल्या का दरबार में आना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें मालवा की प्रजा का फायदा है, मालवा का फायदा है, राज्य का फायदा है, क्योंकि अहिल्या की सोच अलग है, वो राज चला सकती है, ये है अहिल्या। फिर भी गौतमा टस्से मस नहीं होती है। तब फिर मल्हार सरकार उसकी राजनीति की पोल उसके सामने खोलते हैं, जो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि तब कहां थी तुम्हारी ये सब बातें, जब खंडराव यहां पे नहीं था तब तुमने इन्हीं गुणों का फायदा उठाया और अहिल्या को गद्दी पे बिठाया। हम सब ने देखा है वो सीन जब वो ये कहती है गौतमा कि हम चारों में से ही कोई इस गद्दी पे बैठेगा और कोई नहीं, यानी कि गौतमा, मल्हार सरकार, खंडराव और अहिल्या, है ना। तो तब कहां था तुम्हारा ये सारा जो तुम अब दिखा रही हो कि दरबार में नहीं जाएगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, तब तो तुमने खुद गद्दी पे बिठा दिया था। कारण साफ उसके सामने कहते हैं, क्योंकि तुमने वहां पे अपने बेटे की गद्दी को सुरक्षित रखा। हमने आपने इस बात पे बहुत चर्चा की है, मगर मल्हार सरकार के मुंह से सुन के अच्छा लगा। गौतमा तो भाई गौतमा है, यहां पे भी वो कहती है, भाई मैं तो सुन के हैरान हो गई दोस्तों, कि वो कहती है कि अहिल्या को मालवा के लिए आप क्यों सोच रहे हैं, आप करो ना मालवा की सेवा, अहिल्या को सिर्फ खंडराव का ही सोचना है। अगर वो गद्दी पे बैठी थी तो भी खंडराव के लिए बैठी थी, अब भी जो करेगी खंडराव के लिए ही करेगी, मेरे बेटे के लिए कोई कौन सोचेगा, यही तो सोचेगी। मैं तो सुन के हैरान हूं कि अल्टीमेटली वो कह ही देती है कि मैं मां पहले हूं पटरानी बाद में हूं। तो दोस्तों जब ये सोच है तो फिर कहां तक जाएगी गौतमा की ये सब हरकतें जो वो कर रही है। मल्हार सरकार का ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि तुम किसी को बुद्धिमान होने पे सजा दे रही हो, क्या बात है, बहुत ही अच्छा था ये डायलॉग, क्योंकि सच्ची में अगर वो समझदार है तो उसको उसी चीज की सजा मिल रही है, अगर वो दयालु है तो उसको उसी चीज की सजा मिल रही है गौतमा की तरफ से। मगर अफसोस कि गौतमा पे किसी भी बात का कोई असर नहीं होता है और वहां से जाती है, और जाते जाते भी, यानी कि जाने से पहले भी कह देती है कि मुझे पता है कि मैं अहिल्या को जो है हर्ट कर रही हूं, मगर मेरा रवैया ऐसा ही रहेगा। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि गौतमा का करैक्टर कहां तक जा रहा है। इतना भी मोह जो है अपने पुत्र के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अपने ही पुत्र की सबसे प्यारी चीज को आप दुखी कर रहे हो। अगर अहिल्या दुखी रहेगी तो खंडराव कैसे खुश रहेगा, ये बात गौतमा की समझ में नहीं आ रही है। उसको शायद यही लग रहा है कि राजा बन के ही खंडराव खुश रहेगा, इसलिए मल्हार सरकार दुखी हो गए गौतमा से। इसलिए उन्होंने बाद में शिव शंभू से माफी मांगी और कहा कि मैं इतिहास का दोषी नहीं बनना चाहता हूं शिव शंभू। ये उनके अंदर से दिल से आवाज निकली, क्योंकि उनको 101% श्योरिटी थी उस समय कि ये अहिल्या है जो इतिहास बदल सकती है, इतिहास रच सकती है, मगर गौतमा है उसके आगे जो है हमेशा बेड़ियां डालने पे लगी हुई है। मल्हार की कोशिश नाकामयाब रही, मगर वो कोशिश करते रहेंगे और अहिल्या अपने कामों से पीछे नहीं हटेगी, ये हमें पता है, क्योंकि जिसके दिल में ये भाव हो कि मुझे भला ही करना है, उसको चाहे कितना भी रोक लो वो नहीं रुक पाता है, क्योंकि स्वभाव में ऐसी चीज नहीं है।
अब देखते हैं आगे क्या होता है, मगर फिलहाल तो गौतमा ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई मैं तो अपना रवैया नहीं बदलूंगी, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। आप बताइए आपके क्या रिएक्शन है इसके बारे में, कमेंट सेक्शन ओपन है, उस पर कमेंट कीजिए और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.